आज की क्लास में हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका सीरीज होगा जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया क्या है, न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, न्याय क्या है, अदालतों द्वारा न्यायिक सिद्धांतों को लागू किया जाना ही न्याय होता है, यही न्यायिक प्रक्रिया है। एक न्यायाधीश को प्रत्येक प्रकार के सामाजिक तत्वों को मनन कर संविधि के उपबंधों का सच्चा अर्थ या निर्वचन करना होता है। न्यायाधीशों को एक बड़ी शक्ति प्राप्त है। एक न्यायाधीश का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है होना चाहिए और सामाजिक सुव्यवस्था में न्यायाधीश की क्या भूमिका है, और न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्याय क्या है और अदालतों द्वारा, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ये बोल सकते हैं कि अदालतों द्वारा न्यायिक सिद्धांत को लागू किया जाना ही न्याय है। तो देखिए न्याय क्या है, तो अदालतों द्वारा न्यायिक सिद्धांतों को लागू किया जाना ही न्याय है और यही जो है वो न्यायिक प्रक्रिया है। तो अब हम देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्या सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। तो हम देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन के रूप में। तो विश्व के सभी क्षेत्रों में जनता न्याय प्राप्त करने की इच्छा रखती है। कठोर शब्दों में न्याय की मांग नहीं करती है, परंतु हाँ, उनकी इच्छाओं का समाधान जनता चाहती है। इस प्रकार की इच्छा को हम उनकी आकांक्षाओं या चाहत को विभिन्न अदालतों के स्वरूप में देख सकते हैं। प्रसिद्ध विधि शास्त्री जो सामंड हैं, उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने न्याय प्रशासन, इस जो उनकी एक जो बुक थी विधि शास्त्र, उन्होंने उस बुक में इसे न्याय प्रशासन की संज्ञा दी है। तो इस मतलब उसमें जो उन्होंने कहा है वो ऐसा है कि किसी भी मामले या संविदा में न्यायिक सिद्धांतों को लागू किया जाना ही न्याय प्रदान किया जाना है, जिसमें विधि के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित जो देश है उनमें न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सामाजिक न्याय या सामाजिक सुव्यवस्था के रूप से जानी जाती है। सोशल जस्टिस या फिर सामाजिक सुव्यवस्था के रूप में। तो प्रसिद्ध जो अमेरिकी न्यायविद व विधि शास्त्री बेंजामिन कार्डोजो है, उन्होंने क्या किया कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रकृति की छानबीन में बहुत अच्छा ज्यादा गहराई से किया और न्याय प्रदान किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण में एक न्यायाधीश को संविधि के किसी उपबंध का सही सही अर्थ निकालना होता है। इस प्रकार निर्वचन का यह कार्य या पद्धति कोई सरल कार्य नहीं होता है और एक न्यायाधीश को इस मामले में संपूर्ण ईमानदारी से और लगन के साथ यह कार्य करना होता है। न्यायाधीश इस कार्य को अपेक्षित तरीके से करके ही न्याय भूमिका का संपादन करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। द जुडिशियल प्रोसेस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग। कई विधि शास्त्री जैसे एहरलिक जेनेलिन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अदालतें प्रत्येक प्रकार के सामाजिक तत्वों, सोशल एलिमेंट्स जो हैं, उनकी खोज करती है, सामाजिक तत्वों की, उन्हें उनमें जिन तथ्यों से वो रूबरू होते हैं या प्रत्यक्ष होते हैं उसे न्याय के स्वरूप में व्यक्त करते हैं। तो एक न्यायाधीश को प्रत्येक प्रकार के सामाजिक तत्वों का मनन करके ही निर्वचन करने की आवश्यकता होती है और उनका सच्चा अर्थ निकालना होता है। अब हम देखते हैं कि जो न्यायाधीशों की शक्तियां हैं, ये एक बड़ी शक्ति है और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा विवाद के समाधान में एक न्यायाधीश को एक बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। कुछ विचारकों जैसे जेनी, एहरलिक और
और लोगों ने आशंका प्रकट की है कि न्यायाधीशों को जो शक्ति प्राप्त होती है वह निश्चित ही बड़ी है, परंतु उसके दुरुपयोग की संभावना भी विद्यमान है। यहां तक कहना है कि एक लंबे समय बाद न्याय की कोई गारंटी नहीं है, सिवा एक अच्छे न्यायाधीश से ही संभव है। तो आप अगर प्रत्याभूति चाहते हैं न्याय की, तो वो आपको केवल एक अच्छे न्यायाधीश से ही संभव है। परंतु यह आशंका निर्मूल है, क्योंकि न्यायाधीश के ऊपर भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। कहा जा सकता है कि कनिष्ठ से गलती जो होती है उसे वरिष्ठ ही सुधारते हैं। किसी निर्णय की किसी प्रकार की गलती को वरिष्ठ न्यायाधीश सुधारने का अधिकार रखता है। यह सत्य है कि कोई न्यायाधीश अपने निर्णय में कोई गलती कर सकता है, अपनिर्वचन कर सकता है, परंतु ये अपनिर्वचन जो है वो अंतिम नहीं होता है। यहाँ तक यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीश निर्णय दिए जाने के संदर्भ में अपनी भूमिका का सही एवं निष्पक्ष संपादन करें। तो एक न्यायाधीश को अपनी शक्ति का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना होता है। वर्तमान में उदारवाद लिबरलिज्म की बयार बह रही है। यह कोई कठोर पद्धति या प्रक्रिया नहीं है, परंतु बहुत अधिक स्वीकार्य हो सकती है। जैसा कि डीन रास्को पाउंड ने कहा है कि विधि का आधुनिक स्वरूप विश्लेषणात्मक पद्धति के बजाय क्या है, कार्यात्मक स्वरूप का है, फंक्शनल एटीट्यूड रखता है। और न्याय के परिपेक्ष में सामाजिक दृष्टिकोण जो है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है, उसको अपनाता है। तो आधुनिक समय में यह दृष्टिकोण न्याय की रुचि के लिए आवश्यक हो गया है। यह कहा जा सकता है कि इस युग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे इस सामाजिक दृष्टिकोण का उपयोग फलदायी सिद्ध नहीं हो। न्याय के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो न्यायाधीश की शक्तियां हैं वो बड़ी शक्ति होती है, और उनका जो प्रयोग किया जाना है न्यायाधीशों द्वारा वो सोच समझ कर किया जाना चाहिए, और इस शक्ति का प्रयोग उनको ऐसे करना चाहिए कि जनता को या समाज को न्याय प्राप्त हो सके। अब हम चर्चा करते हैं एक न्यायाधीश का जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसके ऊपर। न्याय निर्णय में एक न्यायाधीश का सकारात्मक या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रायः हमेशा ही न्यायाधीश इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण और कुछ न्याय को सही दिशा में लाने का एक साधन है, जिसका उपयोग वह सावधानी पूर्वक करता है। न्यायाधीश की भूमिका के संदर्भ में देखें कि न्याय के संरक्षक के रूप में न्यायाधीश की भूमिका को समझा जा सकता है। सामाजिक सुव्यवस्था में न्यायाधीश की भूमिका, तो देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में एक न्यायाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेनरी सेलिल का यह स्टेटमेंट है कि विधि के एक स्वतंत्र संरक्षक के रूप में न्यायाधीश एक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करता है, जिससे उनका पद अकेला एवं कठिन बनता है। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में एक न्यायाधीश एक महान स्वतंत्र एवं जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आमतौर पर सभी मौकों पर वे अपनी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हैं। संविधि के निर्वचन, विधिक सिद्धांतों को लागू करना, उसके क्रियान्वयन से लेकर अंतिम निर्णय देने के अवसरों पर वह अपनी निर्भय एवं कठिनतम भूमिका का उपयोग करते हैं। एक न्यायाधीश को न्यायिक प्रक्रिया के संपूर्ण रूप में एवं ईमानदारीपूर्ण निर्वहन में अपनी उच्चतम भूमिका का निर्वाह करना अपने पेशे के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी भरा होता है, जिसके फलस्वरूप ही न्यायिक प्रक्रिया के संवहन में उसकी भूमिका श्रेष्ठ बनती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक न्यायाधीश की सकारात्मक दृष्टिकोण में और एक न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं संक्षेप रूप में कि एक न्यायाधीश की भूमिका न्याय के संरक्षक के रूप में होती है, और समाज और लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उनको न्याय प्रदान कराएंगे। अब अंतिम रूप में हम ये देखते हैं कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। तो इस समस्या पर विचार करते हैं, तो देखिए, समाज जो है वो परिवर्तनशील है, और समाज परिवर्तन चाहता है, और उसमें ये परिवर्तन होता ही रहता है। प्रकृति परिवर्तन में अदालतें न्यायाधीशों के सक्रिय सहयोग से वांछित एवं उपयोगी सुधार लाती हैं। इसमें न्यायाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि विधिवेत्ता हेनरी सेलिल कहते हैं, सेसिल
हेनरी सेसिल कहते हैं कि विधि के एक स्वतंत्र संरक्षक के रूप में न्यायाधीश एक प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करते हैं, जिससे उनका पद अकेला एवं कठिन बनता है। आवश्यक है कि न्याय के संपादन में एक न्यायाधीश की महती भूमिका रहती है। एक न्यायाधीश की यही निष्पक्ष एवं सच्ची भूमिका सामाजिक व्यवस्था में प्रगतिशील व्यवस्था का निर्वाह करती है। न्यायालय द्वारा संपादित न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था के रूप में सहायक है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका की जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका और उसका निर्वाह, विधि के संरक्षक कस्टोडियन के रूप में उसकी भूमिका का सफल निर्वाह, विधायन का सही अर्थ समझने की न्यायपालिका की समर्थता एवं लगन, और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा समाज को दो प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने के लिए उनकी अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता इम्प्लाइड कमिटमेंट, न्यायपालिका के इसी प्रकार के पक्षपात की संशयहीनता, तो इन सभी बिंदुओं पर आप विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो, उसमें न्याय प्रक्रिया जो है जुडिशियल प्रोसेस, वो एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जुडिशियल प्रोसेस का क्या अर्थ होता है, इस संदर्भ में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, और ये जो शक्ति प्राप्त होती है न्यायाधीशों को वो अत्यंत शक्तिशाली है, और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायाधीशों के द्वारा वो अति आवश्यक होता है, और न्यायाधीशों की भूमिका के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये न्याय के संरक्षक के रूप में है, और न्यायिक प्रक्रिया जो है सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार हमने देखा जुडिशियल प्रोसेस, उसका जो मीनिंग है, उसका जो नेचर है वो क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाली वीडियो भी देख सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे लोग भी देख सके तो इसे शेयर कीजिए, और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।